बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू पंजाबी फूड व्लॉग्स। व्यूवर्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे, अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज मैं मौसम गर्मा की सब्ज़ी घिया तोरी के सालन की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बड़ा मज़े का सालन बनता है, सिंपल इन्ग्रीडियंट से जो हर घर के किचन में मौजूद होते हैं उन्हीं से मैं ये सालन बनाऊँगी। और ये एक मतलब के मतवाजन खुराक है और बड़ा मज़े का ये सालन बनता है, सिंपल सा। और घिया तोरी जो होती है इसकी तासीर वैसे ठंडी होती है, गर्म भी नहीं होती। अल्लाह पाक ने देखें कैसे कैसे हमारे लिए नेमतें पैदा फरमाई हैं, इतनी प्यारी प्यारी, हमारी सेहत के लिए जो अच्छी हैं और हमें गर्मी से भी बचाती हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए सबसे पहले घिया तोरी और टमाटर, सब्ज़ मिर्च। इसमें मैं तकरीबन सब्ज़ मिर्च ही डालूंगी, ज़्यादा थोड़ी सी सुरख मिर्च डालूंगी, वरना सब्ज़ मिर्च ही इसमें इस्तेमाल करूंगी। और साथ में प्याज हैं, ये तीन प्याज हैं और एक लहसुन है। तो आइए सबसे पहले हम घिया को छील के तो इनको काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो सबसे पहले मैंने हांडी चढ़ा दी है चूल्हे पर, उसमें डाल दिया है मक्खन, क्योंकि मैं ये घिया तोरी जो है ना वो मक्खन में पकाती हूँ, ज़्यादा बड़ी मज़े की बनती है मक्खन में। तो सब्ज़ियाँ जो हैं, सब्ज़ी जो है वो सब्ज़ी, ये तोरी मैंने काट ली है, साथ में ये भी सारा कुछ, प्याज भी, टमाटर भी, हरी मिर्चें भी। तो ये मैं इकट्ठी सब्ज़ी डाल दूँगी, मक्खन जब गर्म हो जाएगा तो उसमें सारा कुछ ये इकट्ठा ही डाल देंगे और फिर इसको पकाएंगे जी। तो ये मैंने सब्ज़ियाँ सारी सब्ज़ी और प्याज वगैरह, टमाटर, हरी मिर्चें ये डाल दिए। इकट्ठी डाल दिए नमक और हल्दी, वो तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी। ये इसमें हाफ़ टी स्पून जो है ना ये हल्दी मैं डाल दूँगी। नमक आप अपना हसबे ज़ायका ही इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाफ़ टी स्पून नमक मैं डाल रही हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक ही डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो सालन हमारा घिया तोरी का तैयार हो चुका है, अब हम इसे उतार लेंगे क्योंकि इसने घी छोड़ दिया है और अच्छी तरह भुना जा चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो हमारा ये घिया तोरी का सालन तैयार हो चुका है, बड़ा मज़े का है, बड़ा टेस्टी है और हल्के से स्पाइस हैं इसमें, कोई ख़ास स्पाइस नहीं है क्योंकि गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में हम जितने से कम स्पाइसेस इस्तेमाल करेंगे तो उतना ही हमारी सेहत के लिए ठीक है। और कलर भी देखें माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलर भी इसका आया है, लुक बड़ी खूबसूरत है, टेस्ट भी इसका इसी तरह मज़े का है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। आइंदा वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर, अल्लाह आप सबकी हिफाज़त फरमाए, खैर वाफियत वाली सबको ज़िंदगी अता फ़रमाए, सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।